वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार की इस ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए पीपुल्स पावर के राष्ट्रीय संरक्षक सह पूर्व बीडीओ डॉक्टर गौतम कृष्ण के आह्वान पर पीपुल्स पावर के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक दिवसीय सांकेतिक अनशन जिला कार्यालय शिवपुरी में रखा है। आपको बता दें कि पीपुल्स पावर के कार्यकर्ताओं ने सरकार से मजदूर, किसान, हड़ताली, शिक्षक और छात्रों की समस्याओं का समाधान के लिए मांग बताएंगे। आप लोगों के द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक अनशन पर बैठे हुए हैं, आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? आज पीपुल्स पावर के संरक्षक पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर गौतम कृष्ण के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 6 सूत्री मांग के लिए सांकेतिक अनशन का आयोजन किया गया है। और हमारा यह 6 सूत्री मांग इस प्रकार है कि जो बिहारी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, सरकार उनको सुरक्षित घर वापस लाए और विलम्ब। दूसरा हमारा मांग है सरकार से, जो हाल के दिनों में जो फसल क्षति हुई है तूफान और बारिश की वजह से, सरकार सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा देने का काम करे। तीसरा हमारा मांग है कि जो 48 शिक्षक के इस कोरोना काल में असामयिक निधन हो गया है, सरकार मृत शिक्षक के प्रति 50 लाख की मुआवजा राशि का व्यवस्था कराए। चौथा हमारा मांग है जो बाहर से जो मजदूर अन्य लोग आ रहे हैं हमारे बिहार, उसका सही तरीका से जांच पड़ताल हो और क्वारंटाइन सेंटर पर उचित व्यवस्था की जाए। और पांचवा हमारा मांग है कि सरकार से जो हमारे छात्र हैं जो बाहर फंसे हुए हैं या इसी राज्य में हैं, उसको रूम किराया और स्कूल के द्वारा जो फीस लेने की बात कही जा रही है, सरकार उसको माफ़ कराने की बात कहे। और छठा हमारा मांग है जो इस दुख की स्थिति में जो बिहार के तमाम लोग हैं, जनता हैं, उनको भूख, दवाई या अन्य वजह से उनको परेशानी नहीं हो, सरकार इसके लिए ठोस कदम उठाए। साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर विभिन्न माध्यमों से बिहार आ रहे हैं, रास्ते में अगर उसकी दुर्घटना से मृत्यु हो रही है तो सरकार उस मजदूर के प्रति भी 50 लाख की मुआवजा राशि का ऐलान करे। यही हमारा 6 मुख्य मांग है। क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार शशि, प्रदेश प्रवक्ता पीपुल्स पावर।